नासिक के पंचवटी का रहने वाला 16 साल का चारुदत्त थोराट, इसने पिछले दो सालों से अपने घर के हर हिस्से, हर बर्तन, हर फर्नीचर, यहाँ तक कि अपनी बॉडी के हर पार्ट पर दोहे और चौपाइयाँ लिख रहा है। दावा है कि इसे 5 भाषाओं में लाखों दोहे और उसके अर्थ भी याद हैं। इस अनोखे घर को देखने के लिए दूर दूर से लोग पंचवटी आ रहे हैं। वो डेली 6 से 8 घंटे इन्हें लिखने में बिताता है। दोहों के साथ साथ चारुदत्त ने घर में जीवन का सार बताने वाले विष्णु चक्र और ब्रह्मांड चक्र को भी बनाया है। इन दोहों को लिखने के पीछे चारुदत्त ने अपनी ईश्वर भक्ति को कारण बताया। उनके पिता ने बताया कि चारुदत्त ने कभी किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है। इन्हें लाखों दोहे कंठस्थ हैं और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। एक घर जिथे अभंग राहतात, एक घर जिथे वेद सर्वत्र दिसतात, एक घर जिथे ज्ञानोबा तुकोबांच्या ओव्या राहतात, एक घर जिथे अभंगांच्या भिंती आहेत, एक घर जिथे ओव्यांचं छत आहे। चला एका अशा घरात। महाराष्ट्राला संतांची मोठी परंपरा लाभलेली आहे आणि या संतांचे अनुयायी, त्यांचा भक्तगण देखील तेवढाच मोठा आहे। मात्र नाशिकमध्ये आज आपण अशा एका भक्ताला भेटणार आहोत की ज्याचं संपूर्ण कार्य आणि ज्याची दिनचर्या ती अत्यंत आश्चर्यकारक आणि चमत्कारिक आहे। कोण आहे हा भक्त आणि नक्की त्यानं या सगळ्या भक्तीपायी काय केलंय आपल्या घरामध्ये, बघूयात या खास रिपोर्टमध्ये। नाशिकमध्ये राहणाऱ्या थोरात कुटुंबाचं हे घर। या घराच्या भिंती, दरवाजे, स्वयंपाकघर, बेडरूम हे वेदांनी आणि मंत्रांनी भरून गेलंय।